आई एम एच के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। अपहरण शब्द तो आपने सुना ही होगा, कभी किसी का अपहरण होता है, कभी व्यक्ति का अपहरण होता है, लड़की का, लड़के का, कभी संपत्ति का अपहरण हो जाता है, कभी विमान का, कभी बस का। हम क्या करते हैं, अंग्रेजी शब्द की एक ही बनाते हैं, समझते हैं हर माल सवा रुपए। किसी व्यक्ति का, लड़की का, लड़के का, व्यक्ति का, बच्चे का अपहरण होगा तो किडनैप शब्द आएगा। द बॉय वॉज किडनैप्ड, हैज बीन किडनैप्ड, द गर्ल हैज बीन किडनैप्ड, द चाइल्ड हैज बीन किडनैप्ड, किडनैपिंग ऑफ द गर्ल, अपहरण, किडनैपिंग, अपहरण ऑफ द गर्ल, ऑफ ए पर्सन, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। द बॉय वॉज किडनैप्ड, लड़के का अपहरण हो गया, लड़की का अपहरण हो गया, तो बॉय की जगह गर्ल कर लीजिए, बच्चे का हो गया चाइल्ड कर लीजिए। हैज बीन किडनैप्ड का अर्थ है किडनैप कर लिया गया है। किडनैपिंग ऑफ द गर्ल, किडनैपिंग ऑफ ए पर्सन, किडनैपिंग ऑफ ए मैन, तो कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन इनके लिए किडनैप शब्द आएगा। अब देखें, अधिकारों का, संपत्ति का अपहरण के लिए एप्रोप्रिएशन, यूजर्पिंग, यूजर्पिंग या एप्रोप्रिएशन आएगा, जो किसी को नहीं पता। संपत्ति का, अधिकारों का अपहरण, जैसे मान लिया किसी ने फंड गायब कर दिया, पैसे गायब कर दिए ऑफिस के ऑफिशियल, अब देखें उसके लिए एप्रोप्रिएशन शब्द आएगा, यूजर्पिंग शब्द आएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का अपहरण, संपत्ति का अपहरण, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज ए केस ऑफ फंड एप्रोप्रिएशन, ये फंड अपहरण का, पैसे के अपहरण का केस है। विमान का या बस का अपहरण, तो अंग्रेजी आएगी हाईजैक, हाईजैक, हाईजैकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, विमान का अपहरण हो जाना, अमेरिका में विमान का अभी अपहरण हुआ है। एन एरोप्लेन हैज बीन हाईजैक्ड टुडे, एक एरोप्लेन का यानी हवाई जहाज, विमान का अपहरण हो गया है आज। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।